जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और कल ना ये 2 बैग कपड़े लाए तो इनके कपड़े भी धुल लिए हैं लेकिन अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो वही हम सुबह सुबह से सब उलट पलट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है। और फल भी हमने धुल करके रख लिया क्योंकि हमको जाना है मंदिर। और चल रहे हैं अब किचन के भी कुछ काम कर लेते हैं। किचन में हमने खीर भी पकने के लिए रख दिया है और कपड़ों का झमेला देख रहे हैं। अब वैसे भी ना जब धूप अच्छे से नहीं निकलती, ना कपड़े नहीं सूखते हैं, ना तो मन नहीं करता है कि कपड़े धुलो। तो ये खीर बच्चों की कल से फरमाइश थी कि माँ थोड़ी हमको खीर बनाओ, तो हमने स्लो गैस में रख दिया और इतने बड़े भगोने में रखा है क्योंकि उबल करके नीचे न गिरे। और बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि बाहर का मौसम देखिए कितने सुंदर सुंदर से हमारे 2-3 गुड़हल के फूल निकले हुए हैं। तो आके ही जब फूल देख लेते हैं ना मन खुश हो जाता है। और आए हुए हम ऊपर के छत में, चिड़ियों को दे देते हैं यहाँ पर खाना पानी। तो चावल भी उनका मतलब उनके बर्तन साफ करके चावल रख देते हैं। बाहर का मौसम देखिए बिल्कुल साफ नहीं है, धूप निकलने की कोई कोई मतलब वो नहीं है, चांस नहीं है। और यहाँ की भी हमने धुलाई कर लिया, पौधों में पानी भी थोड़ा बहुत दे दिया। तो ये देख सकते हैं ये सूखा चावल है और इसमें हम डाल देंगे बना हुआ चावल, पका हुआ यानी, और इसमें डाल देंगे पानी। तो चिड़िया भी चूं चूं करके आएंगी ना तो आराम से पूरे दिन में इतना चावल ख़त्म कर देंगी। और यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे फूल निकले हुए हैं। तो ठंडी में ना फूल क्या निकलते हैं, फूल एकदम से सिकुड़ जाते हैं। तो हमने गीजर भी ऑन कर दिया क्योंकि बच्चे जगेंगे तो सब नहाएंगे। मंदिर और घर की भगवान जी की आरती पूजा हो गई। सुबह के उठने के ये फायदे होते हैं। बच्चों का भी नाश्ता तैयार कर दिए हैं और आज भूल गए थे केस, तो हमारे केस अभी तक सूखे नहीं हैं। बच्चे भी सब जग गए हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऑनलाइन क्लास है तो भी अब रेशु देखेंगी, नंदरानी वो देखेंगी। और भगवान जी की पूजा की भी थाली तैयार हो गई है तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि पूजा में हम क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। तो ये देखिए पूजा की थाली अच्छत है और जितनी डिबिया हमारी पूजा की थी ना सब रख लिए हैं क्योंकि जो रोज पूजा करते हैं ना, जुबान सुबह सुबह से कितना लड़खड़ा रही है। तो पूजा की मतलब कुछ भी तैयारी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, जो अपने मंदिर में है सब पूजा का सामान रख लो। और यहाँ पर रख लिए हैं चुन्नी और ये तो है नहीं तो इनका गौछा रख लिए हैं क्योंकि पंडित जी कहते हैं ना कि जैसे पति नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप उनका अंगोछा लेकर के आ सकते हैं क्योंकि गठबंधन करके ही मंदिर में कोई भी पूजा आप करते हो तो वैसे गठबंधन करके ही करना चाहिए। और ये देखिए तो जाओ बेटा रिशुभों को परेशान ना करिएगा, जाओ जाइए जल्दी से नहा धो लीजिए ऑनलाइन क्लास। ठंडी नहीं है, जाइए गर्म पानी ले लिए ना। जय माता दी बोल दो। तो बच्चों को छोड़ करके ना सुबह सुबह तो मन तो नहीं करता है और बिल्कुल शैतानी ना करना, 1-1.5 घंटा पूजा में लगेंगे। और आज है पंडाल में भागवत है ना, आज बताए वहाँ पर है आज भगवान जी की निकलना है बारात। तो कल ही पंडित जी बता दिए थे कि सब लोग बारात में अच्छी अच्छी साड़ी और तैयार होकर के ही आएंगे, तो हम तो जो पहन लिए हैं यही पहने रहेंगे। और आज सोच रहे हैं मंदिर से आने के बाद ना तो देखते हैं क्योंकि जो भिक्षा हमारी इकट्ठा हो गई, भिक्षा भी हमको जमा करना है। तो कई हम बहनें जाएंगे, जैसे कि हमारी भतीजी उर्मिला है वो भी तैयार होंगी और देखते हैं कौन कौन जाता है। तो वहाँ मंदिर भी जाना है, सिद्धार्थी माता मंदिर भिक्षा लेकर के। तो पहले चलते हैं यहाँ ना अपने भोले बाबा के मंदिर जहाँ पर हो रही है भागवत, वहीं पर बैठ के सब लोग करते हैं। सब बहनें इकट्ठा हो गई होंगी तो चलिए सबसे मिलवाते हैं कि कौन कौन, वैसे भी डेली 10-11 बहनें मतलब साथ देती हैं सुबह का पूजा पाठ और 2 बजे की आरती। तो आज हमने भी सोच लिया था, वैसे तो सोच रहे थे कि इनके साथ ही करेंगे लेकिन देखते हैं, वैसे इनका फोन आया है कि हम शाम तक ही आएंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलिए वो भी तो भोले बाबा के दर्शन करने गए हैं और आने के बाद उनको 2 दिन यहाँ रुकना है तो हम लोगों की भी तैयारी बात करेंगे, किचन का सामान लाना ये वो, बच्चों की क्या फरमाइश है, तो बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं। तो बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से मंदिर में। हस्ते प्रसन्नानेवे शैलिमर्दने नमः लक्ष्मीं सर्वोजस्थिरा।
तो आप लोगों को भी पंडित जी के मंत्र सुना दिए। अब हम सब बहनें कर लेते हैं भगवान जी की पूजा। तो गणेश जी की पूजा, फिर माता रानी की पूजा, फिर जितने भगवान मंदिर में बैठे हैं सब भगवानों की पूजा करना है, आरती करना है, फल चढ़ाना है, और इसके बाद जहाँ हो रही है भागवत वहाँ भी हमको चलना है पूजा करने के लिए। और वहाँ की पूजा करने के बाद फिर मंदिर में होगी आरती। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए, थोड़ी थोड़ी आगे व्यूज़ बढ़ाते रहिए। तो अब आ गए हम यहाँ पर जहाँ पर हो रही है भागवत। तो यहाँ भी देखिए कलश, थोड़ी थोड़ी जवारे भी निकल आए हैं, तो पहले यहाँ भी नहला देते हैं, इसके बाद आरती कर लेते हैं। और सब बारी बारी करके सब बहनें कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी अगर पूजा पाठ का काम होता है ना तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए वीडियो एडिट करते समय कोई आ भी गया तो करते कर लिया। अब भोले बाबा के यहाँ पर अच्छे से अभी होगा श्रृंगार, तो अभी भोले बाबा अच्छे से नहलाए जाएंगे, तब फिर से श्रृंगार होगा। शाम को ना भोले बाबा सजेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान की बारात है ना, इसलिए नहीं एक बार तो ना भोले बाबा की बारात, जब कृष्ण भगवान की बारात जाएगी तो और अच्छे से सजना शुरू करेंगे, जाएंगे आप लोगों से घर। आने के बाद रेशु ने दे दिया है गरम गरम पानी, तो पीते हैं। लक्ष्मी की मम्मी भी आ गई हैं, तो अभी तक इन्होंने भिक्षा नहीं दिया था, तो अभी आज इनसे भिक्षा लिए हैं। वैसे कल से परेशान थी कि भिक्षा ले लीजिए, तो शाम को आई ना तो ये माता रानी के कैलेंडर हम ऐसे रख दिए थे कि मिल ही नहीं रहे थे। तो हमने कहा माँ भगवती कह रही हैं कि कल ही आप भिक्षा दीजिएगा, सोमवार का दिन रहेगा और सुबह सुबह का टाइम रहेगा, बिना कुछ खाए पिए भिक्षा दीजिएगा। तो इन्होंने दे दिया भिक्षा। देखें अभी जूड़ा उड़ा लगा के आई हुई है, और कृष्णा भी नहा धोकर के तैयार हो गए हैं, रेशु हमारे लिए बना रही है चाय, तो आप लोगों को भी खिला रहे हैं भोले बाबा का प्रसाद, हम भी खा रहे हैं। और इसके बाद जा रहे हैं माँ भगवती, सिद्धार्थी माता के दर्शन भी आप लोगों को करवाते हैं। तो सुबह बता ही दिए थे और टाइम ना काफ़ी हो रहा है, और वहाँ पूजा में ना 2-2.5 घंटे हमको टाइम लग गया था, तो लेकिन रेशु ने सब संभाल लिया है बच्चों को। तो मिलते हैं आप लोगों से सिद्धार्थी माता मंदिर में, दर्शन करवाते हैं। जल्दी ही मंदिर हो आए और आप लोगों को भी दर्शन करवा दें, लेकिन जिनके साथ जाना था उर्मिला के साथ, वो अभी घर के काम में लगी हुई हैं, जस्ट अभी उनका फ़ोन आया, तो हम सोच रहे थे पता नहीं कितना टाइम लग जाए मंदिर से,
तो बारात की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये साड़ी हमने निकाल लिया, हम सुबह बताए थे कि यही साड़ी पहन करके हम पूरा दिन रहेंगे, तो सब कहते हैं कि नहीं चेंज करना पड़ेगा साड़ी। तो जो पूजा करके चुन्नी ओढ़े हैं चुन्नी यही रहेगी, साड़ी हम चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब भारी साड़ी तो नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पूरे कॉलोनी में ही घुमाएंगे बारात को, तो क्योंकि 2-3 दिन से ना यहाँ बारिश भी हो रही है ना, तो कीचड़ भी है, तो इसलिए भारी साड़ी पहनना तो बहुत मुश्किल का काम है। साड़ी संभालेंगे कि हम चलेंगे। हम आ गए अब श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन करवा रहे हैं बजरंगबली भोले बाबा के, और आज सुबह से ना भगवान जी के आप लोगों को दर्शन ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बहनें हमारी आई हुई हैं जो भिक्षा जमा करती हैं, और हम उर्मिला के साथ ही आए हुए थे। तो आज हम बहुत ही खुश हैं कि 20-25 दिन की तपस्या आज हमारी पूरी हो गई। घर घर जा करके और ऐसे भिक्षा मांगते थे, सुबह चाय पी करके ही निकलते थे, लेकिन वो तपस्या माता रानी ने आज पूरी कर दी और आप बहुत ही खुश हैं। हम माँ भगवती को क्या दे सकते हैं, माँ भगवती तो हम लोगों को खुद देती हैं, लेकिन बस भगवान भाव के भूखे होते हैं। माता रानी हमको यही कहती थी कि बेटी सिर्फ हम तुमको ये देखना चाहते हैं कि कैसे घर घर जा करके और इतना रोक टोक के बाद हम घर घर जा करके भिक्षा मांगते थे, और उर्मिला भी भिक्षा मांगती है, ये भी कई साल हो गए। और यहाँ पर देखिए हमने कितनी ज़्यादा माँ भगवती के मतलब भिक्षा मांगा है भंडारे के लिए, और ये 20-25 दिन की तपस्या है। माँ भगवती इतना मतलब हिम्मत देती थी तब हम घर से निकल पाते थे, और आप लोग समझ सकते हैं कि जो हाउस वाइफ हैं इनके लिए कितना मुश्किल है घर से निकलना, बच्चों को छोड़ना, खाना पकाना कितनी जल्दी बनाना करना, तो हमारी हालत देख सकते हैं। लेकिन हाँ, बस माँ ने ही इतनी हिम्मत दिया है तो ये कार को हम पूरा कर रहे हैं। और ये कार पूरा करते करते ना हमको 22 साल हो गए, 22 साल से इस कार में हम लगे हुए हैं। अब माँ भगवती इतना मतलब स्वस्थ रखती हैं, उन्हीं की कृपा है जो इतना हम कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। माँ भगवती के दर्शन कैसे लगे, आज हमारी पूरी मतलब इच्छाएं पूरी हो गई, हम बहुत ही खुश हैं कि ये तपस्या हमारी 20-25 दिन की सफल हो गई। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।